नमस्कार, हम आपको गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग बता रहे थे। हमने आपको तीन अनुप्रयोग बताए। पहला अनुप्रयोग बताया अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट बिंदु क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। दूसरा बताया अनंत विस्तार की आवेशित अचालक परत के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरी बताई आपको अनंत विस्तार के आवेशित चालक प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम चौथा अनुप्रयोग बता रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल एक समान रूप से आवेश गोली कोश। गोली कोश होता है खोखला गोला स्फेरिकल सेल। अब आवेश गोली कोश के हमें उसके कारण हमें क्या निकालना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम तीन कंडीशनों में निकालेंगे। परीक्षा में पूछा जाता है आवेशित गोलीय कोश के बाहर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर, फिर आवेशित गोलीय कोश के अंदर। तीन कंडीशन में हमें आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। आवेश गोली कोश के बाहर, पृष्ठ पर और उसके अंदर। तो देखिए, हम एक गोली कोश लेते हैं, माना आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोश है। माना आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है जिसे प्रेस क्यू आवेश दिया गया है। यह आवेश कोश के पृष्ठ आत्मता का हमने गोले कोश ले लिया और उस कोश को कितना आवेश दिया, पृष्ठ आवेश देंगे। तो यह आवेश कोश के कहां पर है, कोश के पृष्ठ पर एक समान रूप से कोश के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। आवेश कोश के सरफेस पर एक समान रूप से यूनिफॉर्मली रूप से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
तो आप इस कोश की बाहर पृष्ठ पर अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। हम आपके सामने एक चित्र के द्वारा आपको तीनों कंडीशनों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। हमारा टारगेट क्या निकालना है? हमारा टारगेट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। कहां पर? तीन कंडीशन। तो पहले मैं डायग्राम बनाता हूं। ये गोलीय कोश है। गोलीय कोश है, कितनी त्रिज्या का लिया? ये कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है, खोखला गोला है। इसे हमने कितना आवेश दिया? पृष्ठ। और ये पृष्ठ की आवेश इस सरफेस के ऊपर क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। गोलीय कोश के पृष्ठ पर पृष्ठ की आवेश समान रूप से वितरित हो गया है। तो ये गोलीय कोश है, आवेशित है, आर त्रिज्या का है, तो इसकी चारों ओर आवेश है, तो इसकी चारों ओर विद्युत क्षेत्र है। आप जानते हैं आवेश है तो उसकी चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता है। अब आपको इस विद्युत क्षेत्र में चारों में हमने कहां बिंदु लिया? बाहर बिंदु लिया। और इस बाहर बिंदु पर हमें क्या निकालना है? कोश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर हम बिंदु इस कोश के कहां है? सरफेस पर क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर बिंदु काले में इस कोश के अंदर क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आवेश कोश के बाहर पृष्ठ पर अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। और किस नियम के द्वारा ज्ञात करनी है? गॉस नियम के द्वारा। गॉस के अनुप्रयोग का मतलब है उसके अंदर हम गॉस के नियम को लागू करेंगे। और गॉस के नियम के कारण विद्युत क्षेत्र निकालने का क्या तरीका है आपको बताया। सबसे पहले हमें आवेश को परिबद्ध करना पड़ेगा, आवेश को चारों ओर से बंद करना पड़ेगा, और आवेश को परिबद्ध करने वाले पृष्ठ की कल्पना करनी होगी, जिसको हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। जब तक हम आवेश को परिबद्ध नहीं करेंगे गॉस प्रमेय लागू नहीं होगी, क्योंकि गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग है। गॉस प्रमेय को लगा करके ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। कहां पर? बाह्य बिंदु पर एट एन एक्सटर्नल पॉइंट। पहले हम एक्सटर्नल पॉइंट पर कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो हमें क्या करना होगा? कोश को क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना होगा। कोश को परिबद्ध करना पड़ेगा। ये कितनी त्रिज्या का है? आर त्रिज्या का। और बिंदु पर ये धन आवेशित गोलीय कोश है। हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर निकाल रहे हैं? वाई बिंदु पर। हमने बिंदु ये बाहर ले लिया पी, इस पर क्या निकालनी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और स्ट्रेन से बिंदु P की दूरी मान लो कितनी है? आर दूरी है। कितनी दूरी है? आर। O को केंद्र मानकर हम क्या बनाएंगे? एक पृष्ठ बनाएंगे। और आपको बताया
इस प्रश्न को हमने क्या नाम दिया? गौशियन प्रश्न। ये प्रश्न क्या करेगा? आवेश को चारों ओर से क्या कर रहा है? परिवर्त कर रहा है। आवेश को चारों ओर से परिवर्त करने वाला ये गौशियन प्रश्न है। ये गौशियन प्रश्न हमने एक प्रश्न की कल्पना कर ली और इस प्रश्न को हमने क्या नाम दिया? कौन सा प्रश्न है ये आपको मालूम है? ये गौशियन प्रश्न है। क्या ये गौशियन प्रश्न? तो हमें बिंदु पी पर लगाना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या करेंगे? ये गौशियन प्रश्न से आवेश चारों ओर से क्या होगा? इससे बंद हो जाएगा। गौशियन प्रश्न के आवेश क्या होगा? परिवर्तित हो जाएगा। अब बिंदु पी पर आप देखेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा अल्पांश क्षेत्र पर प्लस से हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा बदल होती है, बाहर दूर होती है, प्लस आवेश से दूर होती है। ये पूरे गौशियन प्रश्न का क्षेत्र बल है और अल्पांश हमने क्षेत्र बल लिया। अल्पांश क्षेत्र बल क्या होगा? डीए। और डीए वेक्टर की जो दिशा प्रश्न के लंबवत किधर होती है? बाहर। तो ये बिंदु पी है। तो इस बिंदु पी पर हम क्या निकाल रहे हैं? विद्युत क्षेत्र की दिशा ई वेक्टर और बी ए वेक्टर दोनों की तरह है बाहर। तो सबसे पहले हमें क्या बनाया? बिंदु पी पर क्षेत्र पर हमें अल्पांश क्षेत्र पर प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होती है? प्लस से दूर होती है, क्षेत्र और वेक्टर भी बाहर हो। तो पहले इससे गुजरने वाला विद्युत प्लस अल्पांश क्षेत्र, फिर संपूर्ण गौशियन प्रश्न से गुजरने वाला विद्युत प्लस। तो हम क्या करेंगे? बिंदु पी को केंद्र मानकर बिंदु पी से होकर गुजरने वाला तो और ये बिंदु पी आर से कैसी दूरी पर है? आर इसकी त्रिज्या, आर की दूरी आर से ज्यादा है। बिंदु पी से गुजरने वाले क्या बिंदु पी से गुजरने वाले आर त्रिज्या के बिंदु पी से गुजरने वाले आर त्रिज्या के एक गोलीय पृष्ठ बिंदु पी से गुजरने वाला आर त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ खींचते बिंदु पी से गुजरने वाला कितनी त्रिज्या का? आर त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ खींचते जिसे कौन सा पृष्ठ कहते हैं? जिसे गौशियन पृष्ठ कहते हैं। सबसे पहले हम विद्युत वृक्ष आपसे पास होगा क्षेत्रफल अवयव है। ये क्षेत्रफल अवयव है अल्पांश क्षेत्रफल कहते हैं इसको, क्षेत्रफल अवयव कहते हैं इसको। तो पहले क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्रफल अवयव अल्पांश क्षेत्रफल डीए अल्पांश क्षेत्र डीए से गुजरने वाला विद्युत वृक्ष। तो ये विद्युत वृक्ष पहले हमने किसकी कल्पना की? बंद वृक्ष की। और ये बंद वृक्ष एक गोलीय पृष्ठ है और इस गोलीय पूरे वर्ष
से गुजर जो बंद कष्ट बनाते हैं उससे गुजरने वाला क्या निकालते हैं विद्युत वृक्ष अनंत ब्रह्मय का तालिया वेलनाकार वृष्ट बनाया था गौशी पर तो वेलनाकार गौशी पृष्ठ से गुजरने वाला कौन या गौशी पृष्ठ कैसा गोली पृष्ठ तो पहले अनुमान शुद्ध बल से फिर संपूर्ण गौशियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत तो पहले क्षेत्र से गुजरने वाला विद्युत वृक्ष आप जानते हैं अल्प से गुजरने वाला डी फाइव टोटल से गुजरने वाला विद्युत फाइव होता है डी फाइव इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा और यहाँ ई और डी दोनों कैसी डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में है तो आपको मालूम है थीटा का मान कितना है थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री तो डी फाइव इक्वल टू ई डी ए कॉस जीरो डिग्री इक्वल टू ई डी ए ये डी फाइव इस क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत वृक्ष है कौन से क्षेत्रफल से अल्पांश क्षेत्रफल से क्षेत्रफल अवयव से अब हम संपूर्ण से निकालते हैं संपूर्ण गौशियान संपूर्ण गौशियान पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत वर्ष संपूर्ण गौशियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत वर्ष संपूर्ण से गुजरने वाले विद्युत वर्ष के लिए हम इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर सकते ये अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत वृक्ष डी फाइव है और पूरे से गुजरने वाला विद्युत वृक्ष क्या होगा फाइव ई और इसका हम क्या कर देंगे इंटीग्रेशन ये इंटीग्रेशन कौन से पृष्ठ हमारा बंद है क्लोज है और हमने कर दिया इसका इंटीग्रेशन संपूर्ण गौशियन पृष्ठ ये अल्पांश से गुजरने वाला संपूर्ण से फाइव और इसका होता है और पूरे गौशियन पृष्ठ पर ई कैसा रहता है इक्वल रहता है तो ई यहाँ पर कैसा है नियत है ई कॉन्स्टेंट है ई को हमने बाहर निकाला है ई इंटीग्रेशन डी ए इक्वल टू ई ए फाइ इक्वल टू इसका समाकलन करेंगे डी ए का समाकलन क्या हो जाएगा का मतलब क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल ये क्या आपने कैसा प्रश्न है गौशियन प्रश्न गोला है गोले का क्षेत्रफल एक ही क्षेत्रफल गौशियन प्रश्न का क्षेत्र गौशियन प्रश्न का गोले है आपने पढ़ा होगा गोले का गौशियन प्रश्न का क्षेत्रफल 4πr² गोले का वक्र प्रश्न का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² तो ये बन जाएगा इसके आगे हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे ए क्या है यहाँ पर ए गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ए गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और ये आप जानते हैं इसका मान क्या होता है 4πr² हम इसको आप मान लेता है फाई इक्वल टू ई ए हमारा टारगेट या विद्युत क्षेत्र की जाने वाला अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत वृक्ष पूरे गौशियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत वृक्ष हमने क्या कर दिया इसका इंटीग्रेशन कर दिया कि यहाँ पर क्षेत्रफल है किसका क्षेत्रफल है गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गौशियन पृष्ठ का कितनी त्रिज्या का है आर त्रिज्या का तो फाई बराबर क्या होगा ये होगा फाई ई इक्वल टू ई ए का मान कितना है टू ए इक्वल टू 4πr² ये 4πr²
निकालते हैं, गॉस के प्रमेय से इसका कंपैरिजन करते हैं। अब गॉस की प्रमेय से फाइव ई पॉइंट टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ये टोटल आवेश कितना है, क्यू आवेश है, पूरे पृष्ठ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है क्यू आवेश। गॉसियन पृष्ठ के ये कहाँ है, अंदर है, गॉसियन पृष्ठ है से ये घिरा हुआ है, तो जहाँ भी क्या है, जहाँ क्यू गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश है, क्यू गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश है। तो ये दोनों को हम कंपेरिजन करेंगे, फाई बराबर ये और फाई बराबर ये, तो ये इससे क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ई फोर पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये किसके बराबर हो गया इसके, इसीलिए ई इक्वल टू वन अपॉन ये नीचे आएगा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्या जाएगा आर स्क्वायर। ये आपका एक फॉर्मूला बना, इक्वेशन फाइव। तो जैसे आप जानते हैं ये पूरा आवेश, ये मानो इस कोश के कहाँ पर है, समूह आवेश केंद्र पर है, कोश के केंद्र से और आर दूरी पर एक बिंदु पी है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी आवेश के कारण क्या होती है, वन पॉइंट फोर पाई एप्सिलॉन नॉट की ओर पोनाइस पर, ये वही फॉर्मूला प्राप्त हुआ। ऐसा जैसे पृष्ठ पर आवेश है ये ऐसा व्यवहार करता है कि जैसा संपूर्ण आवेश कहां पर है, केंद्र पर है, यह गोलीय कोश के पृष्ठ पर आवेश ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि संपूर्ण आवेश, जैसे कि संपूर्ण आवेश कोश के केंद्र पर है। जैसे ये मानो आवेश कहाँ, गोल कोश के कहाँ पर केंद्र है, केंद्र पर है प्लस क्यू आवेश, तो प्लस क्यू आवेश से आप दूरी पर बिंदु पी पर बिंदु क्षेत्र की तीव्रता का ये केंद्र प्राप्त होता है। जैसे संपूर्ण आवेश कोश के कहाँ है, केंद्र पर है। अब हम इसको प्रश्न आवेश घनत्व के रूप में लिखते हैं इस फॉर्मूले को, क्योंकि आवेश कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, प्रश्न पर, तो पृष्ठ पर आवेश घनत्व आप जानते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व का फॉर्मूला पृष्ठ पर सिग्मा इक्वल टू की व कौन है, क्योंकि आवेश पृष्ठ पर डिस्ट्रीब्यूट है तो पृष्ठ आवेश घनत्व, आवेश अगर तार की लंबाई पर है तो रेखीय आवेश घनत्व, आवेश अगर अचालक गोला है, अचालक गोले में आवेश संपूर्ण भाग में रहता है, रो बराबर की व कौन भी, तो ये आवेश कहाँ पर है, पृष्ठ पर, तो कौन सा आवेश बनाएंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो एक फॉर्मूला ये प्राप्त होगा, कोश के कहां पर, बाहर पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में, पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में आपको मालूम है ये पृष्ठीय आवेश पृष्ठ पर वितरित है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, सिग्मा यहाँ क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्यू अपॉन ए
क्षेत्रफल, आवेश कौन से क्षेत्रफल पर है, स्पर्श पर, इस पर है, ये गोलीय कोष है, इस कोष के पृष्ठ पर आवेश है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल 4πr2। लेकिन आवेश जिस पर है इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R, तो ये क्षेत्रफल कितना होगा कोष पर, 4πr2, क्योंकि A इक्वल टू यहाँ 4πr2, तो यहाँ 4πr2 हो गया। अब Q की वैल्यू रखेंगे, Q इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई सिग्मा 4πr2। अब ये Q का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण एक में, क्योंकि आवेश का डिस्ट्रीब्यूट है, Q का मान समीकरण एक में रखने पर, अब इसको हम समीकरण एक में रखेंगे, समीकरण एक का E equal to 1/4πε0 Q, Q के स्थान पर क्या वैल्यू रख देंगे, सिग्मा 4πr2, ये किसकी वैल्यू हो गई, Q अपॉन आर स्क्वायर। अब 4πi से 4πi कैंसिल हो गया, E इक्वल टू क्या बचा, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम्ब। ये भी फॉर्मूला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में, और इसको हम वेक्टर के रूप में लिखना चाहें, वेक्टर रूप में क्या करेंगे, E वेक्टर इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप, ये हम इसको वेक्टर रूप में लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको कोक्स के कहां पर बाहर बिंदु पर क्या बताया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में, और पूरे आवेश को हम केंद्र पर माने तब समीकरण एक में देखा, पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में माने तो ये का मान प्राप्त होगा। अब मैं यदि बिंदु पृष्ठ पर स्थित हो, बिंदु कहां स्थित हो, पृष्ठ पर होगा तो आर आर के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये गोलीय कोष की त्रिज्या कितनी आर है, और बिंदु आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सरफेस पर ही निकाल रहे हैं, बिंदु की यहाँ पर है, और इसकी दूरी क्या मानी है आर, तो ये आर इस आर के क्या होगी, बराबर होगी, कब, जब बिंदु कहाँ है, तो उसके पृष्ठ पर। तो आपने अभी फॉर्मूला देखा था, उसी में इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर था, और इस आर के स्थान पर हमने क्या रख दिया, डायरेक्ट मैंने इक्वल टू 1/4πε0 Q और भी आर स्क्वायर स्मॉल आर था, तो स्मॉल आर की है, क्यों, आर के बराबर क्या है, आर है आर स्क्वायर, ये न्यूटन प्रति कूलम्ब ये बन गया, डायरेक्ट बन गया बिंदु, या बिंदु पृष्ठ पर स्थित हो। और आपने क्यू की वैल्यू देखी थी, पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में इसको लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है क्यू बराबर क्या है, सिग्मा 4πr2, क्यों सिग्मा बराबर आपने देखा भी क्यू अपॉन ए, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे क्यू की, तो क्या आएगा, 1/4πε0 सिग्मा 4πr2/r2 कैंसिल हो गया, 4πi से 4πi इक्वल टू सिग्मा बटे εψιλον, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू सिग्मा अपॉन 4πi से 4πi क्या हो गए, कैंसिल हो गए, r2 से r2
बचेगा? सिग्मा अपॉन क्या बचेगा? एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति किग्रा। तो ये फॉर्मूले कहां पर है? बिंदु कोश के पृष्ठ पर है। पृष्ठ पर है कि इनका मान इतना है, आर के स्थान पर आ रख दिया और आपने फॉर्मूला प्राप्त किया था क्योंकि वैल्यू को आपने यहाँ पर पुट कर दिया तो ये मान इतना आ गया सिग्मा बटी एप्सिलॉन नॉट। ये बिंदु कहाँ पर प्राप्त किए हमने? कोश के पृष्ठ पर। अब हम कोश के अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं अंदर बिंदु पर। तो हम तीसरी कंडीशन बताएंगे, बिंदु कहां पर है? पहली कंडीशन आपने देखी और दूसरी देखी। अब इसकी आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर एट एंड इंटरनल पॉइंट। अब हम तीसरी कंडीशन निकालते हैं उसकी। वही गोलीय कोश है, कितनी त्रिज्या का है गोलीय कोश? आर त्रिज्या का है, आवेश पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है, समान रूप से है, सममिति ओ बिंदु पर। अब आपने बिंदु कहाँ ले लिया? कोश के भीतर कहीं ले लिया, मान लीजिए बिंदु पी है। अब बिंदु पी पर आपका टारगेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। बाहर बिंदु पर कोश का निकाला, पृष्ठ पर निकाला, अब अंदर बिंदु पर हम निकालेंगे। तो अंदर बिंदु पर निकालेंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे? इसको गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। तो ओ को केंद्र मानकर मानो बिंदु पी की दूरी कितनी आर है। आपको मालूम है यहाँ पर आर का मान आर से कम होगा कि नहीं, अर्थात ये दूरी इस आर से कम है। तो ओ को केंद्र मान करके हमने इस त्रिज्या का एक क्या बनाया? एक गॉसियन पृष्ठ बनाया। ई नहीं होगा, डीए भी नहीं होगा और हमने एक गॉसियन पृष्ठ बना दिया। ये गॉसियन पृष्ठ कितनी त्रिज्या का है? आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ है। अब बिंदु पी कहां पर है? कोश के अंदर। ई की डायरेक्शन और बीए वेक्टर की डायरेक्शन दोनों एक ही दिशा में होंगे, बाहर की ओर, दोनों बाहर की ओर है। हमें बिंदु की पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, बिंदु अंदर है। अब आप ये बताइए, गॉसियन पृष्ठ अंदर रह गया, आवेश गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध है, घिरा हुआ है या नहीं? आवेश तो इस गॉसियन पृष्ठ के कारण है या बाहर है? गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश नहीं है। जैसे हमने बताया गॉस प्रमेय में, ये कोई बंद पृष्ठ है क्लोज्ड और इसके अंदर आवेश है, इसके अंदर आवेश है तभी विद्युत फ्लक्स गुजरेगा फाई इक्वल टू पी अपॉन एप्सिलॉन। अगर आवेश बंद पृष्ठ के बाहर है तो विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू पी अपॉन एप्सिलॉन, तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा? जीरो। क्यों होगा जीरो? क्योंकि आवेश बंद पृष्ठ के भीतर नहीं है और बंद पृष्ठ के भीतर आवेश होगा तभी विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो यहाँ पर हमने गॉसियन पृष्ठ ये बना लिया और आवेश रह गया बाहर। गॉसियन पृष्ठ के आवेश भीतर नहीं है, गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश क्या? जीरो। तो फाई इक्वल टू क्या होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू का मान जीरो है तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा? जीरो। यानी कोई विद्युत फ्लक्स इससे नहीं गुजरेगा क्योंकि गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश नहीं है, गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश नहीं है, आवेश जीरो है, आवेश जीरो है तो फाई विद्युत फ्लक्स भी जीरो होगा। तो हम कैसे दिखेंगे?
रोशियन ट्रस्ट से परिबद्ध गौशियन पक्ष से परिबद्ध कोई आवेश नहीं है। गौशियन पक्ष से परिबद्ध घिरा हुआ कोई आवेश नहीं है, अतः गौशियन ट्रस्ट से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स गौशियन पक्ष से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। आप वही तरीका लगाएंगे, आपको मालूम है गौशियन पक्ष से परिवर्तित कुल आवेश आपने सूत्र देखा, टोटल से घिरा हुआ कुल आवेश पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे ईडीए, और ये किसके बराबर है, ई इक्वल है कांस्टेंट है बाहर निकालेंगे, ईडीए इक्वल टू ईए बराबर क्या होगा, ई क्षेत्रफल एरिया इस गोले का एरिया निकालेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। आपको मालूम है ये फाई इक्वल टू कितना है, ई 4 पाई आर स्क्वायर, ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू गॉस प्रमेय से फाई इक्वल टू क्या होता है, ऐसे समझिए गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस की प्रमेय से फाई इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, क्यू क्या है गॉसियन पक्ष से परिबद्ध आवेश, बताओ गॉसियन पक्ष के भीतर आवेश क्या है, जहां क्यू इक्वल टू जीरो, गौशियन पृष्ठ के भीतर, गौशियन पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यू बराबर जीरो है, क्यू का मान हम जीरो रखेंगे तो फाई इक्वल टू क्या होगा, जीरो इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो हम इन दोनों की कंपैरिजन करते हैं, मानो ये समीकरण है, हम इसकी कंपैरिजन करते हैं, फाइ इक्वल टू ए और फाइ इक्वल टू क्या आ गया जीरो, तो ई ये मान किसके बराबर होगा, इसके बराबर फाइ बराबर ए है और फाइ बराबर क्या है जीरो, तो हम कंपैरिजन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, कंपैरिजन में ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम इसको कंपैरिजन के रूप में लिखेंगे, इसीलिए विद्युत फ्लक्स से गुजरेगा ही नहीं, क्यों नहीं गुजरेगा, क्योंकि गौशियन पृष्ठ के आवेश बाहर रह गया, अंदर नहीं, अंदर आवेश नहीं है, गौशियन पृष्ठ के घिरा हुआ आवेश शून्य हो तो विद्युत फ्लक्स शून्य होता है, ये गॉस प्रमेय में आपने कहा है। अब फाई इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, तो ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू दोनों की कंपैरिजन की, तो ये मान बराबर क्या हुआ, फाई का मान कितना है, बराबर जीरो, इसलिए ई इक्वल टू जीरो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, जीरो, याद रखो आवेश गोलीय कोष के भीतर, आवेश गोलीय कोष के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की
होती है। ये आपने देखा आवेश, आपसे पूछा आवेश गोलीय कोश है आर त्रिज्या का, हमने कहा इसके बाहर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की थी तो आपने फॉर्मूला प्राप्त किया, प्रश्न पर प्राप्त किया, और हमने कहा इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो तो गोलीय कोश के भीतर अंदर अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, जीरो होती है। आवेश गोलीय कोश के भीतर ई का मान जीरो होता है, आवेश गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा शून्य होती है। तो कोश के बाहर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला आपने देखा, सरफेस पर फॉर्मूला आपने देखा, और गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, शून्य होती है, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ से पर्वत आवेश जीरो होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। अब ई और आर के बीच में मैं एक ग्राफ बना देता हूं छोटा सा, देखिए E व R के मध्य वक्र, ये आपने देखा अभी, ये R त्रिज्या का एक आवेशित गोलीय कोश है, गोलीय कोश है, खोखला गोला है, लेकिन कैसा आवेशित है, आवेशित है तभी क्या होगा, विद्युत क्षेत्र, अगर आवेशित नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। कितनी त्रिज्या का है ये, आर त्रिज्या का है कैपिटल, ये आपने देखा। अब मैं ई और आर के बीच ग्राफ बना रहा हूं, तो आपने तीन फॉर्मूले प्राप्त किए, जब बिंदु आपने देखा था कहां पर था, वाई बिंदु पर आपने देखा, आपने देखा पृष्ठ पर था इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन इस आर की जगह कैपिटल आर हो गया। तीसरी कंडीशन में आपने देखा आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, अभी आपने देखी E इक्वल टू क्या होती है, जीरो, E बराबर क्या होता है, जीरो। तो आप ये तीन फॉर्मूला देखे थे, अब इनके अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हैं, औसत करते अंदर बिंदु पर, फिर पृष्ठ पर, फिर बाई बिंदु पर। तो देखिए हमने इधर तो है दूरी r, r ये क्या है, दूरी है, और इधर है E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बिंदु वो है, ये कितनी सरफेस है, यहाँ तक की त्रिज्या कितनी r है, इसके बाद दूरी बढ़ती जाएगी, ये r से कम होगी, r से क्या होगी कम, ये r से क्या होगी ज्यादा होगी, R greater than R, R से कम या R से क्या होगी ज्यादा। अब देखो आपने देखा अंदर विद्युत आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी, तो हम अंदर इस गोलीय कोश के अंदर तक रहेंगे तो E का मान क्या रहेगा, जीरो रहेगा, गोलीय कोश के अंदर E का मान क्या रहेगा, जीरो। अब हम कोश की कहां पर आ गए, पृष्ठ पर, पृष्ठ पर R का मान कितना है, R है, तो आर का मान है तो ई का मान कैसा होगा, ई यहाँ पर मैक्सिमम होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ पर कैसे होगी, यहाँ पर मैक्सिमम होगी। अब आर से आर का मान और ज्यादा होगा, आप याद रखिए जब ये मान बढ़ता जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा, आर ये यहाँ तक है आर कोश की तीव्रता, R से R का मान और ज्यादा होगा, और R का मान ज्यादा होगा तो ये E का मान क्या होगा, घटेगा। तो मैक्सिमम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर होती है, सरफेस पर, और सरफेस के बाद में दूरी क्या होती है, बढ़ती है,
और दूरी बढ़ती जाएगी तो ई का मान क्या होगा, क्या होगा, घटना शुरू होगा। तो दूरी बढ़ेगी और ई का मान क्या होगा, घटता जाएगा। तो ई प्रपोर्शनल क्या है, 1/r² आपने देखा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा कहाँ पर, सरफेस पर। उसके बाद क्या होगा, तो कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, पृष्ठ पर ई का मान मैक्सिमम, और दूरी बढ़ी, आर से ज्यादा दूरी हुई तो ई का मान बढ़ने की वजह क्या हुआ, घटना शुरू हो गया। तो ये ऐसा वक्र आ गया, कोश से अंदर पृष्ठ पर और पृष्ठ से बाहर, इस प्रकार का हमने ई और आर के बीच में हमने